कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो अपने पद के साथ आएंगे, वो अपनी कुर्सी लेकर के आएंगे और वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। ये जो बहाली जितने पदों पर होनी है वो सिर्फ फ्रेश लोगों के लिए है। तो ये कन्फ्यूजन शिक्षा विभाग को दूर करना होगा। वो कल एक डेलीगेशन हम लोग शिक्षा विभाग में गए थे, मैं खुद था, हमारी पार्टी से कुछ नेता लोग थे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे अगर होगा तो आप तो नया रोजगार दे नहीं रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप 3.25 लाख की बहाली है और उसमें 2 लाख पुराने शिक्षक भर जाएंगे, तो आपकी तो बहाली नहीं हुई नहीं है। तो उनका कहना था कि नहीं, इसको हम लोग ठीक करवाएंगे और हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर प्रेस रिलीज जारी करके इसको क्लियर किया जाएगा। कि नियोजन प्रक्रिया जो 17 साल अपनाया गया वो सबसे बेकार प्रक्रिया थी और उसके कारण ही ऐसा ये दिन देखना पड़ रहा है। निश्चित तौर से ये मानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि नियोजन प्रक्रिया जो बिहार में हुई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदनाम और बर्बाद करने में उसका अहम रोल रहा। स्टेट 19 वाले लोग जो स्टेट क्वालिफाई किए 2019 में एग्ज़ाम दिए, 21 में जिनका रिजल्ट आया और रिजल्ट उनको एग्ज़ाम भी कई बार देना पड़ा, उनके रिजल्ट भी 2 बार चेंज हो गए, तो उनको तो ये लग रहा है कि भाई हम तो यही उम्मीद किए हुए थे कि जैसे ही नियमावली आएगी हमको तुरंत उसके बाद नियुक्ति हमारी हो जाएगी। तो एक तो परसेप्शन ये जो बनता जा रहा है कि बिहार में शिक्षक के बीच में क्वालिटी नहीं है, भले ही 2-4 शिक्षकों के चलते ऐसा हो रहा हो, लेकिन एक परसेप्शन तो है। तो सरकार को उस परसेप्शन से कुछ नहीं है, 77,000 हैं, वही मैं कह रहा हूँ, 77,000 शिक्षकों का पूरा फाइल गायब है। हाई कोर्ट कह रहा है कि जल्द से जल्द उसका फाइल लाया जाए, नहीं तो हम सबका बहाली रद्द करवा देंगे। तो ये उठा पटक में चल रहा है। इस बीच में सरकार ने ये फैसला किया है कि सारे शिक्षक जो पहले के हैं वो एक एग्जाम दें, उनमें मिनिमम उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट को क्रॉस कर लेना है और तब वो नियोजित हो जाएगा। 4 साल तो पहले से ही हम इंतजार कर चुके हैं शिक्षक बहाली के लिए। अब तो ये लग रहा है कि सरकार ने एग्जाम का डेट कर दिया, एग्जाम का डेट कब आएगा, फिर एग्जाम कब होगा, उसमें पेपर लीक हो गया तो, फिर कैंसिल हो गया तो फिर से एग्जाम होगा, तो हो सकता है कि 2-3 साल और लटका दिया जाए। ये कंसर्न हमने शेयर किया है और इसमें जो शिक्षा विभाग का कहना है, उनका कहना है कि हम 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अपने यहाँ बाहर के राज्यों को नहीं बच्चों को ले रहा है, तो हम क्यों अपने अपना दरवाज़ा सबके लिए खोल के रखें। तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें है। अब एक जो नया चीज़ ऐड हो गया है जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, वो है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम जो हो गया है ये थोड़ा चौंकाने वाला निश्चित तौर से है। सरकार को अगर इस तरह का कोई कदम लेना चाहिए था तो उनको पहले बाकी लोगों से बात करनी चाहिए थी। हम लोग तो महागठबंधन सरकार में घटक दल हैं, हम लोगों से भी इस पे बात नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लाखों अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो 7वें चरण के बहाली का इंतजार कर रहे थे, नियोजन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीच बंसधार में ही बिहार सरकार ने फिर से एक नई नियमावली को लेकर आया है। आपको बता दें कि नियमावली आने के बाद जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सारे नाराज हो गए हैं और आज ब्लैक डे मना रहे हैं। हमारे साथ हैं पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ जी, इनसे हम बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, सबसे पहले तो आप इस नियमावली को कैसे देख रहे हैं, छात्रों के हित में देख रहे हैं या फिर उन्हें एक बहलाने का एक तरीका देख रहे हैं? देखिए, नियमावली लाने की जो प्रक्रिया है ये निश्चित तौर से चौंकाने वाला और उचित नहीं है, लेकिन नियमावली के भीतर जो कंटेंट है वो निश्चित तौर से बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था स्टूडेंट्स का, कि शिक्षकों का डिमांड था कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों को सम्मान चाहिए था, उनको सम्मानजनक वेतन चाहिए था, तो ये इसमें है। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग थी कि भाई हमको डोमिसाइल अलग अलग राज्य, जब अपने यहाँ बाहर के राज्यों को नहीं बच्चों को ले रहा है, तो हम क्यों अपने अपना दरवाज़ा सबके लिए खोल के रखें। तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें है। अब एक जो नया चीज़ ऐड हो गया है जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, वो है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम जो हो गया है ये थोड़ा चौंकाने वाला निश्चित तौर से है। सरकार को अगर इस तरह का कोई कदम लेना चाहिए था तो उनको पहले बाकी लोगों से बात करनी चाहिए थी। हम लोग तो महागठबंधन सरकार में घटक दल हैं, हम लोगों से भी इस पे बात नहीं हुई। और यहाँ तक कि जो नियमावली बनाने के समय शुरुआत में शिक्षा विभाग ने शिक्षक संघ के जो नेता हैं उनको बुलाया था, शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, हमसे सलाह ली गई थी, तो हम लोगों ने लिखित में सलाह दिया था, उसमें हम लोगों ने मांग भी किया था, मैंने खुद लिख के दिया था कि इनको राज्यकर्मी के रूप में ही आप बहाल कीजिए।
अब राज्य कर्मी के रूप में बहाल करने के दौरान एक ये क्राइटेरिया लगा दिया गया है एग्जाम का, तो शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में मिला जुला इसका प्रतिक्रिया है, एक बड़ा तबका है, खास करके जो स्टेट 19 वाले लोग हैं, जो स्टेट क्वालिफाई किए 2019 में एग्जाम दिए, 21 में जिनका रिजल्ट आया, और रिजल्ट उनको एग्जाम भी कई बार देना पड़ा, उनके रिजल्ट भी दो बार चेंज हो गए, तो उनको तो ये लग रहा है कि भाई हम तो यही उम्मीद किए हुए थे कि जैसे ही नियमावली आएगी हमको तुरंत उसके बाद नियुक्ति हमारी हो जाएगी, लेकिन अब पूरा पैटर्न बदल गया, इसमें हम और आप चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते। ये जरूर है कि इस नियमावली को लाने से पहले सरकार को सबसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन संदीप जी, एक और बात कहा जा रहा है कि अब नियमित शिक्षक बहाल होंगे, तो फिर ये 352,000 जो नियोजित हैं इनका क्या होगा? सरकार क्या इनको सीधे कर देना चाहिए, नियोजित इनको भी नियमित कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करके ही मास्टर बने हुए हैं ना? हाँ, जो पहले के शिक्षक हैं उनको, उनके बीच में एक मामला चल रहा है हाईकोर्ट में, शायद आप सुने होंगे कि बिहार के 77,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग के पास नहीं है, और इसकी चर्चा बिहार से बाहर भी दूसरे राज्यों में है। तो एक तो परसेप्शन ये जो बनता जा रहा है कि बिहार में शिक्षक के बीच में क्वालिटी नहीं है, भले ही 2-4 शिक्षकों के चलते ऐसा हो रहा हो, लेकिन एक परसेप्शन तो है, तो सरकार को उस परसेप्शन से फाइट करना है। लेकिन कुछ नहीं है, 77,000 हैं, तो ही मैं कह रहा हूँ 77,000 शिक्षकों का पूरा फाइल गायब है। हाई कोर्ट कह रहा है कि जल्द से जल्द उसका फाइल लाया जाए, नहीं तो हम सबका बहाली रद्द करवा देंगे। तो ये उठापटक में चल रहा है। इस बीच में सरकार ने ये फैसला किया है कि सारे शिक्षक जो पहले के हैं वो एक एग्ज़ाम दें, उनमें मिनिमम, उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट को क्रॉस कर लेना है और तब वो नियोजित हो जाएंगे। तो ये क्या नियोजन, इसका मतलब आप मानते हैं संदीप सरोव जी कि नियोजन प्रक्रिया जो 17 साल अपनाया गया वो सबसे बेकार प्रक्रिया थी और उसके कारण ही ऐसा ये दिन देखना पड़ रहा है? निश्चित तौर से ये मानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि नियोजन प्रक्रिया जो बिहार में हुई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदनाम और बर्बाद करने में उसका अहम रोल रहा। आपको शिक्षकों को पेमेंट कम देना था, आपको उनके तमाम अधिकार सीमित करने थे, इसलिए आपने अंधाधुंध तरीके से, गलत तरीके से आधे अधूरे ज्ञान वाले लोगों को भर दिया। तो सर, इसका दंड क्यों भरे वो नियोजित शिक्षक हैं, वो उनको भी नियमित कर दिया जाए? ठीक बात है, अब सरकार अगर ये कह रही है कि आज से 17 साल पहले जो गलती हमसे हुई है, 17 साल तक, हाँ 17 साल तक लगातार जो गलतियां होती रही उसको हम ठीक करना चाहते हैं, तो इसको तो कभी ना कभी तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये जो परीक्षा ली जा रही है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इसमें परीक्षा जो अब सरकार ले रही है इसमें शिक्षक संघ से बात हो, उनकी मांग सुनी जाए, और परीक्षा को लेकर के जो सजेशंस हम लोग दे रहे हैं उनको माना जाए, और इस बात की गारंटी की जाए कि इस परीक्षा में कोई धांधली नहीं होगी। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि अभी सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ, सीटेट तो बिहार सरकार लेती नहीं है, वो तो केंद्र सरकार की परीक्षा है, लेकिन उस परीक्षा में पटना के भीतर, बिहार के भीतर कई सेंटर्स में ऐसा सामने आया जहां पूरा का पूरा सेंटर मैनेज है, कंप्यूटर पे कोई अभ्यर्थी बैठा हुआ है लेकिन उसका कंप्यूटर हैक है और कहीं बाहर से उसका एग्जाम लिखा जा रहा है। ये बात सिर्फ हम और आप नहीं जान रहे हैं, ये मामला पूरा जांच के साथ सरकार तक पहुंची हुई है। ये जो परीक्षा लिया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का, सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि सरकार अब तक सोच रही थी कि 60-40 के रेशियो में सीटेट का एग्जाम का मार्क्स 60% उसका वेटेज होगा और 40% होगा उनका एकेडमिक्स। अब ये 60% में ही इतना बड़ा धांधली अगर होगा तो फिर क्वालिटी टीचर कहाँ से आएंगे, ये कंसर्न काम किया है। इसके चलते ही पूरा मामला पलटा है और लास्ट मोमेंट में पलटा है, इसलिए हम लोग को इसकी सूचना नहीं मिल पाई। संदीप जी, लेकिन एक और मामला इसमें आ रहा है कि कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को 10 वर्ष का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी इस परीक्षा में आ सकते हैं। तो 3 लाख के आसपास सीट है, उसमें से मानिए 1.5 लाख वैसे लोग को आप आ जाएं जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है, तो फिर न्याय कहाँ हो पाएगा? फिर नए कैंडिडेट्स जो हैं उनके सीटों की हकमारी हो जाएगी। सही बात है, देखिए ये जो कन्फ्यूजन है, जो नई नियमावली आई है, इसमें 2-3 कन्फ्यूजन वाले बात हैं जिसके चलते छात्र जो हैं सड़क पर हैं आज। एक तो लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि भाई ये जो 3.25 लाख शिक्षक की बहाली होनी है उसी पे पुराने जो शिक्षक हैं, आप 3 लाख करें वो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या 10 लाख के आसपास है, अगर वो सब लोग अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन तो बहुत हाई हो गया। एक ये कन्फ्यूज़न है, इसको कल एक डेलीगेशन हम लोग शिक्षा विभाग में गए थे, मैं खुद था, हमारी पार्टी से कुछ नेता लोग थे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे अगर होगा तो आप तो नया रोज़गार दे नहीं रहे हैं,
सपोज कीजिए कि आप 3.25 लाख की बहाली है और उसमें 2 लाख पुराने शिक्षक भर जाएंगे, तो आपकी तो बहाली नहीं हुई नहीं है। तो उनका कहना था कि नहीं, इसको हम लोग ठीक करवाएंगे और हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर प्रेस रिलीज जारी करके इसको क्लियर किया जाएगा कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो अपने पद के साथ आएंगे, वो अपनी कुर्सी लेकर के आएंगे और वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। ये जो बहाली जितने पदों पर होनी है वो सिर्फ फ्रेश लोगों के लिए है, तो ये कन्फ्यूज़न शिक्षा विभाग को दूर करना होगा। उन्होंने ये बात स्वीकार किया है कि ऐसे ही करना करेंगे हम लोग। एक बात ये, दूसरा जो दिक्कत लोगों को हो रहा है, उनको लग रहा है कि भाई 4 साल तो पहले से ही हम इंतज़ार कर चुके हैं शिक्षक बहाली के लिए, अब तो ये लग रहा है कि सरकार ने एग्ज़ाम का डेट कर दिया, एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, फिर एग्ज़ाम कब होगा, उसमें पेपर लीक हो गया तो, फिर कैंसिल हो गया तो फिर से एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है कि 2-3 साल और लटका दिया जाए। ये कंसर्न हमने शेयर किया है और इसमें जो शिक्षा विभाग का कहना है, उनका कहना है कि हम 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पूरा जो रूल रेगुलेशन होगा इसका, परीक्षा का जो पूरा पैटर्न होगा और विज्ञप्ति 15 दिन के अंदर रिलीज कर देंगे। मतलब 15 दिन के बाद आप समझिए कि एग्ज़ाम की तारीख आ जाएगी, तो जल्द से जल्द इसको हम लोग पूरा करेंगे और उसमें पेपर लीक ना हो इसका भी इंतज़ाम किया गया। हमने भी कुछ सजेशन उसमें दिए हैं, जैसे हमने कहा है कि आप स्टेट के जो स्टूडेंट्स होंगे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए, उनके लिए आप सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम ना लें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट क्लियर कर करके स्टेट क्वालिफाई किए हैं, तो उनके लिए भी आप एक जनरल एग्ज़ाम लें और सीटेट जो पास है उनके लिए तो जनरल एग्ज़ाम होगा ही, तो एक जनरल एग्ज़ाम लें और पहले से ही इस बात की निगरानी रखें कि पेपर लीक कहीं से ना हो, क्योंकि पेपर लीक एक बार हो गया तो सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का इस सरकार से विश्वास उठ जाएगा। बहुत मुश्किल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर आप ये कदम लेकर के आए, और साहसिक कदम है, देखिए इसमें विरोध तो काफ़ी होगा इसका, लेकिन जब ये ठीक तरीके से लागू हो जाएगा बिहार में और ये कार्यान्वित होने लगेगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की एक विश्वसनीयता बरकरार हो जाएगी, तो ये अच्छा चीज़ हो जाएगा। संदीप जी, अंतिम प्रश्न है, क्या लगता है कि आपको ये हड़बड़ी में नियमावली लाया गया है, पूरी तैयारी नहीं की गई है और जो लगातार प्रेशर बढ़ रहा था 3 लाख सरकारी नौकरी को लेकर और बिहार में रोजगार को लेकर, उसे बस दबाने के लिए किसी तरह आधा अधूरा नियमावली को दे दिया गया है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे तथ्यों को पर अभी विचार भी नहीं किया गया है? नहीं, देखिए नियमावली एक चीज़ होता है और विज्ञप्ति एक चीज़ होता है। जो डिटेल आप चाह रहे हैं वो विज्ञप्ति में आना है। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कौन से सवाल, आयोग ही डिसाइड नहीं हुआ है? आयोग तो डिसाइड है, बीपीएससी तय है। अच्छा, तय हो गया ये? हाँ, आयोग तो बीपीएससी तय है ना। अच्छा। और इसको, इसकी घोषणा सरकार ने कर रखी है, अखबारों में छप चुका है। तो बीपीएससी ये बहुत दिन से चल रहा था, ये 2-3 विभागों के बीच में बात चल रही थी। एक तो चल रहा था कि भाई नया शिक्षक आयोग, शिक्षक चयन आयोग एक हम बना दें, इस पे विचार किया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, इस पे विचार हुआ और बीपीएससी, ये तीनों चीज़ पे विचार हुआ और ये लगा सरकार को कि ज़्यादा ठोस यही रहेगा कि बीपीएससी करे, ज़्यादा विश्वसनीय बीपीएससी है। बीपीएससी में भी पेपर लीक होते हैं लेकिन तब भी वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है, तो इसलिए बीपीएससी को दिया गया। ये आयोग तय है पहले से। अब इसमें हमें लगता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को भी और जो नियोजित शिक्षक पहले से हैं, इन सबको मिल करके सरकार को अपने सजेशंस देने चाहिए और जो नियम विज्ञप्ति आना है उससे पहले सरकार के पास कुछ ठोस लोगों के सुझाव जाएं तो ये अच्छा रहेगा। तो ये थे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। आपको बता दें कि युवाओं के मुद्दे पर, शिक्षा विभाग के मुद्दे पर हमेशा सामने आते हैं और इन्होंने कहा है कि ये फैसला जो लिया गया है बड़ा ही साहसिक फैसला है, लेकिन कन्फ्यूजन अभी है इसमें। जो अभ्यर्थी हैं, जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनमें कन्फ्यूजन है, लेकिन अगले 15 दिनों में विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी करके, प्रेस नोट जारी करके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा और इससे आगे भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक दोनों की बहाली संभव हो पाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।